बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप 4 से भी ज्यादा महीने से जारी है। देश में कोरोना वायरस के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड पर भी कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया है। लोगों को इस खतरनाक बीमारी के बारे में आगाह करने वाले अमिताभ बच्चन परिवार समेत कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उनके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री से और भी कई केसेस आना शुरू हो गए हैं। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभिषेक बच्चन ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और वो भी पॉजिटिव निकले। इसके बाद बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बच्चन परिवार में केवल जया बच्चन ही कोरोना नेगेटिव पाई गई है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर का परिवार भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। एक्टर ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दी। उन्होंने बताया कि उनकी मां दुलारी खेर और भाई राजू खेर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अनुपम खेर के घर में उनकी भाभी और भांजी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी के फेम पार्थ सामथान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद शो की शूटिंग को रोक दिया गया है। उंगली फेम एक्ट्रेस रेचल वाइट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ट्विटर के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी शेयर की। फिलहाल वो होम क्वारंटीन में हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट तनुश्री दास गुप्ता भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। वो अस्पताल में एडमिट है और जल्द ही छूटेंगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।